नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24 में जाकिर खान जयपुर से। जैसे कि अभी प्रेजेंट में खो नागोरियान क्षेत्र के अंदर बंदरों का इतना बड़ा प्रकोप है कि हर आदमी बहुत अधिक परेशान हो चुका है। प्रशासन को शिकायत करने के बाद में भी प्रशासन इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि सीएम पोर्टल ऐप से लेके नगर निगम हर जगह पर जनता कंप्लेंट करा रही है। लेकिन आज जिस तरह से बंदरों का आतंक देखा गया खो नागोरियान के अंदर, कई आदमियों ने इस चीज़ के ऊपर हमसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि सर इतने परेशान रहते हैं, झुंड का झुंड आता है, एक नहीं 20-25 बंदर आते हैं जो हमलावर हो जाते हैं बच्चों के ऊपर और बड़ों के ऊपर। इस तरह से अगर बंदरों का प्रकोप शहर के अंदर फैल रहा है तो नगर निगम को इन चीज़ों पर प्रावधान लगाना चाहिए। जबकि पार्षद से भी इस चीज़ के बारे में बातचीत की गई, उन्होंने भी शिकायत की, मगर अभी तक प्रशासन इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन चीज़ों के ऊपर, जनता के ऊपर अगर इस तरह से कोई भी चीज़ का आतंक होता है तो उस चीज़ पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। खो नागोरियान क्षेत्र के अंदर बंदरों का बहुत बड़ा प्रकोप देखने को मिला, प्रशासन को इस चीज़ पर सुनिश्चित होना चाहिए कि बंदरों का इतना आतंक है तो उस चीज़ पर प्रशासन को लगाम लगाना चाहिए। जनता इस चीज़ के बारे में बहुत अधिक दुखी हो चुकी है। खो नागोरियान क्षेत्र वार्ड नंबर 114 में हर आदमी की शिकायत मिल रही है कि सर हमने शिकायत भी की, नगर निगम में भी शिकायत की, सीएम पोर्टल ऐप पे भी शिकायत की, लेकिन कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ पर जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता अगर शिकायत करती है तो उस चीज़ पर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए और जनता का सहयोग करना चाहिए। मैं जाकिर खान जयपुर से, मेरे साथ कैमरामैन इस्माइल खान।